नमस्कार। भाजपा के वर्चुअल रैली के प्रतिकार में गरीब अधिकार दिवस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे बिहार में थाली पीटो अभियान का आयोजन किया। इस कड़ी में दिन के 11 बजे ही पूरे बिहार में राजद कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से थाली पीटी। बिहार की राजधानी पटना में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने थाली बजाकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं पूर्णिया जिले के बेलोड़ी में जिलाध्यक्ष मिथिलेश कुमार दास, जिला परिषद उपाध्यक्ष नीरज सिंह उर्फ छोटू सिंह, युवा राजद प्रदेश उपाध्यक्ष अभय सिन्हा उर्फ बंडी सिन्हा, प्रवक्ता आलोक राज, जिला महासचिव राम प्रवेश पुद्दार महेश्वर यादव एवं जिला अध्यक्ष व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अजय मांझी ने 11 मिनट तक थाली बजाकर बिहार एवं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं पूर्णिया जिले के हंसदा गुलाबबाग में भी राजद के प्रदेश सचिव जितेंद्र उड़ाव, SCC ST प्रकोष्ठ के प्रदेश सदस्य राजीव कुमार उर्फ पप्पू पासवान, उपेंद्र शर्मा, आनंद लखेश्वर सहित राजद कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार गरीबों और मजदूरों को प्रताड़ित कर रही है। यही कारण है कि 12 करोड़ लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं। भाजपा गरीबों की मौत पर राजनीति कर रही है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि वे सभी मजदूर भाइयों को सुरक्षित घर पहुंचाते, लेकिन ये काम सरकार नहीं कर रही है। जब विपक्ष ने इसकी आवाज़ उठाने की कोशिश की तो भाजपा के कई मंत्री सफाई देने सामने आ गए। बिहार में हाहाकार मचा हुआ है और भाजपा के नेता रैली कर रहे हैं। कोरोना काल में भी भाजपा और JDU को सत्ता की भूख है, ये बहुत ही शर्म की बात है। किसान बेरोजगार थाली पीटने का काम कर रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस प्रकार से शारीरिक मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से जिस प्रकार से इस डबल इंजन के सरकार ने, चाहे वो BJP की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उनको प्रताड़ना पूरी तरीके से जो है किया है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि गरीब का पेट खाली है और जो दूसरे दर्जे का नागरिक के रूप में जो हमारे श्रमवीर और श्रमिक भाई हैं, जिस प्रकार का बर्ताव मौजूदा सरकार, चाहे केंद्र की सरकार राज्य की सरकार ने किया है, लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। हम बताना चाहेंगे कि लगभग जो है 12 करोड़ लोग जो है पूरे देश भर में जो है बेरोजगार हैं, जिनकी रोजगार जो है वो छूटी है इस कोरोना काल में। 13 करोड़ के लगभग जो आंकड़ा है वो BPL में जो है वो जुड़ा है। आप देख सकते हैं पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है और यहाँ की सरकार गरीबों को, मजदूरों को खाना देना चाहिए था। डिजिटल रैली का इस्तेमाल डिजिटली लोगों को पहुँचाने में करना चाहिए था, खाना खिलाने में करना चाहिए था, अस्पताल बेहतर अस्पताल व्यवस्था सुविधा देनी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार को अपना मात्र जो है सत्ता का भूख मिटाना है, ना कि गरीब का भूख मिटाना है। हमारा राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि BJP देश की, दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो गरीब मजदूरों के मौत पर जश्न मनाएगी। आज अमित शाह जी रैली कर रहे हैं तो वो बताएं कि बिहार में आप लोगों ने दूसरे दर्जे के नागरिक जो श्रमिक हैं उनके साथ व्यवहार क्यों किया, जो रोजगार जिनका छिन गया उनके लिए आप क्या उपाय कीजिएगा। BPL में 13 करोड़ पूरे देश भर में जो लोग हैं उनका नाम कैसे जुड़ा, देश भर में 12 करोड़ लोग, और हमने तो पहले भी कहा लगभग अगर 40 लाख का आंकड़ा ले ले श्रमिक भाइयों का और एक परिवार का आप 5 से जोड़ दे तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ जो है संख्या आती है। बिहार में पहले से ही 7 करोड़ जो है नौजवान बेरोजगार है और नीतीश कुमार जी की जो अंतर आत्मा की जो उपज जो है वो बिहार सरकार की पुलिस विभाग की जो चिट्ठी है उसमें वो निकली है। एक एक शब्द, एक एक वाक्य वो नीतीश कुमार जी की अंतर आत्मा की उपज है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये सारी चिट्ठी की कवायद शुरू की गई है। मतलब अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहेंगे
कि क्या बिहार के गरीब मजदूर चोर हैं? अगर वो अपने घर आएंगे जो तनाव में हैं, जो शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही, आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, आखिर ये सिचुएशन अगर क्रिएट हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है? और नीतीश कुमार जी को तो कम से कम आकर के बिहार के गरीब मजदूरों से, श्रमिकों से, श्रमवीरों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आखिर ऐसी बेहुदा चिट्ठी, हम साफ कह रहे हैं उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है, उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है। पूरी तरीके से जो है नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, अगर आप मजदूरों का, गरीबों का सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान मत कीजिए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिकार किया है और हम लोग लगातार गरीब के साथ, मजदूर के साथ, श्रमिकों के साथ, जो बेरोजगार हैं, किसान हैं, उनके साथ खड़े हैं। इसलिए हमारा मानना है कि ऐसी पार्टी जो मौतों पर जश्न मनाए, जिसकी जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षित स्वस्थ गांव पहुंचाने की, उनके रोजगार की व्यवस्था की, भूख से मर रहे उनको खाना देने की, तो ये अपनी भूख मना रहे, इसलिए हम लोगों ने आज थाली पीटने का काम